स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारी सीरीज एक्सप्लोर उज्बेकिस्तान विद डॉक्टर्स क्यूरी में। और आज हम आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को। आज हम इस कॉलेज के बारे में सारा कुछ जानेंगे, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, इस यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, इसका कैंपस देखेंगे कि यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह जो है कैसा है, जो स्टडी रूम है वो कैसे हैं, पढ़ाई में कैसी एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी के अंदर, हम यहाँ से एंटर होते हैं। यहाँ पे ये बैठने के लिए बनाए हुए हैं, आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। गाइस इट्स ब्यूटीफुल। मैंने यहाँ पे एंटर करते ही देखा, मैं अभी तक लगभग 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में घूम चुका हूँ, वहाँ का कैंपस देखने के बाद मेरे को यहाँ का कैंपस है कह सकते हैं आप सबसे बेस्ट मेरे को यहाँ पे लगा। इनबिल्ट कैंपस है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, सामने ये बिल्डिंग है, चारों तरफ से ये पूरा का पूरा ऐसे इनबिल्ट कैंपस है और पूरा का पूरा कवर है, बाउंड्री से कवर है। और यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं सारे बच्चों की यहाँ पे क्लासेस लगती है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स घूम रहे हैं। साइड में इन्होंने यहाँ पे बैठने के लिए बनाया हुआ पार्क टाइप, अगर आप बीच क्लासेस के बीच में रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं खुद को। और बाकी और भी चीज़ देखते हैं, अभी तक मुझे सबसे बहुत ही प्यारा कैंपस ये लगा है। बाकी अंदर चल के देखते हैं और क्या सच्चाई है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यहाँ पे जो भी डीन ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होगा वो सब यहीं पे होगा। साथ में यहाँ पे डिपार्टमेंट भी है, लाइक मेडिकल फिजिक्स वगैरह के डिपार्टमेंट है, फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, बायोफिजिक्स का डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और आगे हम चलते हैं दूसरी जगह पे एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे पूरा अच्छे से कैंपस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उज्बेकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं गर्मी है, तो यहाँ पे इतने ट्रीज लगे हुए हैं, तो आज घूमने में भी थोड़ा मजा आएगा, आराम से अच्छे से इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे ये फाउंटेन है, साथ में स्टडी के साथ आपको रिलैक्स होने का मौका भी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, बेसिकली लेक्चर हॉल वगैरह है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लेक्चर हॉल यहाँ पे ये है। कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर कोई होती है तो सारी यहाँ पे की जाती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये भी, मेरे को देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये एरिया। यहाँ पे भी आप आराम से क्लासेस के बीच में ब्रेक में यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक चेस का ग्राउंड भी बनाया हुआ है, अगर कोई चेस खेलने का शौकीन है तो खेल सकता है। मेरे को आती नहीं है, बाकी अगर आती तो ज़रूर खेलते, लेकिन जिसको आती है वो यहाँ पे खेल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ पे ये कैंटीन है, मैं आपको दिखा दूँ कि जो पूरे का पूरा वहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, वहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं, खाना वाना खाना है आपको ब्रेक में तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। और यहाँ पे भी कैंटीन है, यहाँ से अगर आपको कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जूस वगैरह लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, पानी वगैरह सब यहाँ पे मिलता है। और ये सीटिंग एरिया है, यहाँ पे आराम से बैठ के आप अपना लंच वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह 8 बजे की क्लासेस होती हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से टाइम नहीं मिल पाता है कि सुबह ब्रेकफास्ट करके आएँ, तो वो साथ में लेके आ सकते हैं और आराम से जैसे ही फर्स्ट क्लास खत्म हुई उसके बाद ब्रेक में यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं। बेसिकली यहाँ पे एनाटॉमी का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, पैथ एनाटॉमी का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, फोरेंसिक का डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको भी। बेसिकली ये मॉर्फोलॉजिकल बिल्डिंग है, जिसमें फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गाइस
सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनाटॉमी की, क्योंकि वही फर्स्ट ईयर में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है। और ये फैकल्टी की लिस्ट है, आप एनाटॉमी फैकल्टी देख सकते हैं। इनमें इंडियन टीचर भी यहाँ पे अवेलेबल है, डॉक्टर रोहित कृष्णन एंड डॉक्टर नियामत खान, यहाँ पे जो है इंडियन टीचर की जो फैकल्टी, इंडियन फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाती है। इवन दो फैकल्टी यहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट में है, और इसके अलावा भी लगभग जो टोटल है 7 से 8 सब्जेक्ट की फैकल्टी, इंडियन फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है, जो कि आपको बहुत अच्छी चीज इसमें आपको मिलने वाली है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि इंडियन फैकल्टी आपको पढ़ाएगी तो ज्यादा बेटर वे में और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके वो आपको समझाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लासरूम है और सब कुछ इतना प्यारा है, इतना ब्यूटीफुल डेवलप्ड कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि ये डमी रखी हुई है, आप ये देख सकते हैं, बोर्ड्स वगैरह जिसको पढ़नी है, कोई भी मार्किंग वगैरह आपको पढ़नी है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो ये चीज़ है, स्क्रीन है, ये पूरी की पूरी इसमें सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर यहाँ पे आपको पैट के पढ़ना है, सारी एनाटॉमी वगैरह पढ़नी है, उसका कोई भी डिटेल एनाटॉमी से रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल लेनी है तो यहाँ पे स्क्रीन पे वो प्ले ऑन हो जाएगी। और बेसिकली 3D टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी में अगर देखें हम यहाँ पे, तो बहुत ही एडवांस सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है फरगाना में। अभी तक जो हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट इन पूरे उज्बेकिस्तान में। जो भी अगर आप देख रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये बेस्ट यूनिवर्सिटी होने वाली है आपके लिए। एक चीज़ और देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो ये डायग्राम्स वगैरह है, ये स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं। और जो टीचर हैं, यहाँ की फैकल्टी है, वो स्टूडेंट्स को प्रोवोक करती है कि भाई वो खुद भी कुछ करें, खुद मेहनत करें। अगर स्टूडेंट हैं, कोई भी कुछ चीज़ बना रहे हैं खुद से अपने हाथों से, तो उसका ज़्यादा बेटर वे में वो उस चीज़ को समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें अपने हाथ से करके देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। यहाँ पे जो फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज की हुई है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी की। गाइस, जो डॉक्टर नियामत खान हैं वो यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये कम्प्लीटली एक लेक्चर हॉल है, जो भी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन वगैरह भी यहाँ पे लगी हुई है, अगर गर्मी ना हो उसके लिए AC वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड है यूनिवर्सिटी की तरफ से ही। और यहाँ पे डॉक्टर रोहित कृष्णन जो MD फिजिशियन है, वो यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ाते हैं। अभी रूम लॉक्ड है, बाकी दिखा देता हूँ, सेम उसी तरीके का रूम यहाँ पे अवेलेबल है। जो अपनी इंडियन फैकल्टी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से जो इन्होंने ऑर्गेनाइज वे में सेपरेट उनका जो कैबिन है वो अलग से दिया हुआ, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो वो किसी भी टाइम आके टीचर से अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ये यहाँ पे रेक्टर ऑफिस है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन होंगे वो सारे यहीं से साइन होकर जाते हैं। बाकी अंदर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि रेक्टर ऑफिस है तो हमें कोई इतना खास काम है नहीं। हम जो दिखाते हैं आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस ही आपको घुमाते हैं और दूसरी जगह पे। ये यहाँ पे रेक्टर ऑफिस है, प्रो रेक्टर ऑफिस यहाँ पे है, और जो सिमुलेशन सेंटर है वो भी यहीं पे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में इन्होंने यहाँ पे AC वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि गर्मी में ज़्यादा परेशान ना हो जो भी लोग आते हैं। सिमुलेशन सेंटर चलते हैं। ये स्टिमुलेशन सेंटर है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए। जैसे ये थेरेपिस्ट यहाँ पे जो भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए, प्रिकर्सन कैसे किया जाता है, PT के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट है, तो क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल फेज यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट आप पेशेंट पे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस इन पे डमी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पेशेंट मिलेंगे, फिर आपको पेशेंट के ऊपर सारी चीज़ें और फीचर्स को करके दिखानी पड़ेंगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये पीडियाट्रिक्स का है, और वो बच्चों की डमी रखी हुई है। साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये गायनेकोलॉजी के लिए है, ताकि आप फैमिलियर हो जाएं हर एक चीज़ से। और एक ये भी डिपार्टमेंट है, ये ट्रोमेटोलॉजी के लिए है, कि भाई ट्रोमा वगैरह हो जाए तो क्या होगा, कैसे किया जाएगा। ये नर्सिंग वगैरह के लिए है, जो मेनली जो प्रोसीजर होता है, जो काम नर्स करते हैं उसके लिए
इनिशियल फेज में वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और ये अपना पूरा स्पेसिमेन वगैरह के लिए है, मशीन वगैरह है यहाँ पे जो भी, साथ में माइक्रोस्कोप वगैरह लगाए हुए हैं। अगर स्टूडेंट को कुछ भी स्पेसिमेंस के बारे में स्टडी करनी है, माइक्रोबायोलॉजी में कुछ पढ़ना है, वो यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। पैथ फिजियोलॉजी में भी, पैथ एनाटॉमी में भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, स्लाइड्स वगैरह प्रिपरेशन, यहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, फिर कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। मान लो कोई सैंपल हमने लिया बॉडी से कलेक्ट किया, उसका फिर हमने डायग्नोज करना कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, उसका सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लिए देख सकते हैं आप। और बहुत ही एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। ये ऑपरेशन रूम है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं वो फैमिली मेंबर होने के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये मशीन है, ये सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, कहाँ पे इसका यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। साथ में फिर यहाँ पे जो भी पेशेंट होगा, पेशेंट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन वगैरह होगा, वो सारी ऑपरेशन टेबल है। तो गाइस जैसा आपने देखा, ये था यहाँ का सिमुलेशन सेंटर। यहाँ पे जो भी जब आप क्लिनिकल के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, यानी कि फोर्थ ईयर से आपकी जो हॉस्पिटल क्लासेस स्टार्ट होंगी, उससे पहले जो भी है आपको यहाँ से सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझा के, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, हर एक चीज़ में आप परफेक्ट हो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे उनसे आप फैमिलियर हो, जो भी जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उनसे आप फैमिलियर हो, सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और उसके बाद आपकी जो क्लिनिकल क्लासेस हैं वो लगेंगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अभी 4-5 यूनिवर्सिटी में घूमा हूँ, उन यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस देख के और फिर जो सिमुलेशन सेंटर है, मुझे अभी तक इतना बड़ा सिमुलेशन सेंटर किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिला है। ये मैं बिल्कुल फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा सिमुलेशन सेंटर है और जो कैंपस है वो भी काफ़ी बड़ा है। बाकी और भी चीज़ें इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। गाइस ये माइक्रोबायोलॉजी लैब है और अभी हम इसको भी अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी रूम है, यहाँ पे सारे जो माइक्रोस्कोप वगैरह हैं, जो भी माइक्रोबायोलॉजी में जब आप स्लाइड प्रिपेयर करते हैं बैक्टीरिया जानने के लिए, वायरस जानने के लिए, उनका स्ट्रक्चर जानने के लिए, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए जब स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और खुद नज़रों से और खुद ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि कैसा क्या है। इंस्ट्रूमेंट्स जो ये लगे हुए हैं सारे के सारे बिल्कुल हाईली डेवलप्ड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट यहाँ पे है जो स्टूडेंट्स की जो क्लासेस वगैरह होती है वो सारी यहाँ पे लगती हैं। और अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं किसी रूम में जाने की जहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो। चलो चलते हैं। ये लाइब्रेरी है, अभी लाइब्रेरी में चलते हैं और अंदर आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। यहाँ की एक जो मेन लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी, वो तो बंद है इस टाइम पे, अनफॉर्चुनेटली वो क्लोज्ड है, अभी ओपन नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स वगैरह सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो भी बायोकेमिस्ट्री क्लासेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, वो सारे आपके यहीं पे लगेंगे। So what's your reviews about university? How are you feeling here? Best in what terms? Education. Teachers What about the hostel facility? It's also good. Okay. And have you faced any language barrier there? No. Okay, thank you guys, thank you sir. Study hard, huh?
तो गाइज एंड में ये बिल्कुल अपना फैमिलियर जो सभी स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है स्पोर्ट्स ग्राउंड, कि वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें क्या करने को मिलेगी, क्योंकि सभी टाइम पे हर टाइम पे पढ़ते तो रह नहीं सकते ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, फुटबॉल वगैरह जो आपको खेलनी है वो खेल सकते हैं, रनिंग वगैरह करनी है तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो गाइज ये आपने देखा फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का कैंपस, पूरा का पूरा बिल्कुल ही न्यूली डेवलप्ड कैंपस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जितना मैं इस कैंपस में घूमा हूँ, हो सकता है कैमरे से मैं आपको इतना अच्छा ना दिखा पाऊँ, लेकिन जो मैंने रियल में यहाँ पे फील किया वो बहुत ही पसंद मेरे को ये आया। इतना अच्छा कैंपस हो सकता है मैंने उज्बेकिस्तान में मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है अभी तक, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में मैं घूमा हूँ। जो इस यूनिवर्सिटी को जो और चीज़ें खास बनाती हैं वो यहाँ पे इंडियन फैकल्टी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे इंडियन जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। लगभग टोटल 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, इंडियन फैकल्टी यहाँ पे मैनेज कर रही है उन चीज़ों को। और जैसा कि आपने अभी स्टूडेंट से देखा, स्टूडेंट के रूम में हम गए थे, वहाँ पे हमने स्टूडेंट से बात की तो सभी स्टूडेंट खुश हैं, और इवन एज कम्पेयर टू जो लोकल टीचर हैं उनसे ज़्यादा कंपेयर में जो स्टूडेंट हैं जो प्यार करते हैं अपनी इंडियन फैकल्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो नाम भी बता रहे थे कि उनके फेवरेट कौन से टीचर हैं, कौन से टीचर उनको ज़्यादा पसंद है, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। उनके साथ और भी डिस्कशन हुई, हॉस्टल के बारे में डिस्कशन हुआ, हॉस्टल से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको फेस करने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जो दूसरे मैं देख रहा हूँ कि सब चीज़ें जो एक वेल मैनेज्ड वे में यहाँ पे की जा रही है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सपोर्टिव है, हमेशा सजेशन के लिए ओपन है। जैसे हम अभी आए थे तो फैकल्टी से मिले, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वहाँ से उनसे हमारी बात हुई, तो वो बार बार हमें यही पूछ रहे थे कि आप सारा घूम लियो, बताइए आपको और क्या चाहिए, अगर किसी भी तरीके से आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमें तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनको बताई तो वो इम्प्लीमेंट उस पर करेंगे, काफ़ी अच्छा मेरे को यहाँ पे लगा। एजुकेशन क्वालिटी यूनिवर्सिटी की बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी मिलने वाली है, क्योंकि इंडियन टीचर जो है, इंडियन फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। इसके अलावा जो कैंपस सपोर्ट है वो हर एक चीज़ में बेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी, पूरा का पूरा न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो हॉस्पिटल्स की, क्लिनिकल एक्सपोजर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जो यूनिवर्सिटी के साथ जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे यहाँ पे आसपास में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, यहाँ से लगभग 1-2 से 3 किलोमीटर के एरिया में सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं, और सेपरेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हॉस्पिटल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी उनका टूर भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका टूर करवाऊंगा, हॉस्पिटल का टूर करवाऊंगा और आपको बताऊंगा। और इस यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो मेरे को लगा, जो मुझे चीज़ लगी, अगर कंपैरिजन करते हैं हम किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ उज्बेकिस्तान में, जो मैंने अभी तक देखी है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी देखी है, ताशकंद डेंटल देखी है, इम्पल्स देखी है, फिर उसके बाद एंडिजन देखी है, और मैं यहाँ पे अभी फरगाना में आया हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ये सब चीज़ें बेस्ट लगी हैं। एंडिजन काफ़ी अच्छी सपोर्टिव यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस भी अच्छा है, और जो यहाँ पे है फरगाना, इसका उससे भी ज़्यादा बेटर कैंपस मेरे को यहाँ पे रियल में, फ्रेंकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को लगा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी हॉस्पिटल के बारे में होगी, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे सीधा समरकंद के लिए, समरकंद को भी एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है वहाँ पे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।